नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। शहर के महाकाली मंदिर परिसर में एक 70 वर्षीय महिला द्वारा किसी भी तरह के हलचल ना करते दिखाई देने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद महिला को सामान्य रुग्णालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। खबर मिलने तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला का चेहरा गोल, नीले रंग का स्वेटर और कत्थे रंग का गाउन पहना हुआ वर्णन किया गया है। किसी को भी मृतक महिला के बारे में जानकारी हो तो PSI विजय मुके इनके मोबाइल क्रमांक 9923401065 पर तुरंत संपर्क करें, ऐसा आह्वान शहर पुलिस ने किया है। गढ़चिरौली में जज के सुरक्षा रक्षक की गोली लगने से हुई मृत्यु। 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे के करीब एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात उमा जिहोली जब वाहन में बैठे थे, तब अचानक उनके खुद के राइफल से 8 गोलियां चली, जिसमें से 3 गोलियां उमा जिहोली के मृत्यु का कारण बनी। गौरतलब है कि गोलियां गलती से चलने की आशंका जताई जा रही है। एक बालिका क्लासेस करने के लिए जिस शिक्षक के पास जाती थी, उसी शिक्षक पर उसने स्वयं के गर्भवती होने का आरोप लगाया, किंतु जब DNA जांच की गई तो उसमें अलग ही खुलासा हुआ। इसमें शिक्षक नहीं बल्कि उसका प्रेमी दोषी होने की बात सामने आई, जिसके बाद दोषी प्रेमी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कमलापुर निवासी निर्ला परिवार में माँ बेटी और पिता में हुए घरेलू विवाद के चलते बेटी ने गुस्से में आकर कीटनाशक पी लिया। उसे अहेरी उपजिला रुग्णालय में ले जाने पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। करुणा पोचमलु निर्ला, उम्र 20, ऐसा मृत युवती का नाम है। गढ़चिरौली जिले के अति दुर्गम भाग के उप विभाग भामरागढ़ अंतर्गत पेनगुंडा में एक पुलिस मदद केंद्र की स्थापना की गई है। यह मदद केंद्र गढ़चिरौली पुलिस दल ने 1000 से 60 कमांडो, 25 BDDS टीम, नवनियुक्त पुलिस जवान, 50 विशेष पुलिस अधिकारी और निजी ठेकेदार की सहायता से 24 घंटों में स्थापित किया। अहेरी उपविभाग के अहेरी एटापल्ली, अहेरी भामरागढ़ और अहेरी सिरोंजा मार्ग पूरी तरह से बदहाल हुआ है, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। तत्काल इस मार्ग की मरम्मत करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। घर में कोई नहीं है यह देखकर युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना 10 दिसंबर को घटी। मृत युवती का नाम साक्षी पांडुरंग मोंढे, उम्र 21 है। इस घटना से परिसर में खलबली मची है। सेवानिवृत्त कर्मी की तालाब में डूबने से मौत होने की घटना बुधवार को घटी। मृतक का नाम आलापल्ली गोंड मोहल्ला निवासी बंडू सीताराम कुमरे, उम्र 56 है। गौरतलब है कि इस तालाब में पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों के डूबने से मौत होने के कारण परिसर में खलबली मची है। तो CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।